वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नलकूप चालक भर्ती लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी लिखित परीक्षा 2 सितंबर को होगी। इस भर्ती के बारे में मैं आपको थोड़ी ही जानकारी पहले ही दे देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। इस भर्ती में जो इंटरव्यू रखा गया था, उसका जो है सिलेबस के हिसाब से फ्रेंड्स, इसके सिलेबस के बारे में और पेपर के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना शुरू करता हूँ। सभी जानते हैं कि 2016 में जब ये भर्ती आई हुई थी तो इंटरव्यू इसमें अलाउ था, लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 सितंबर को होगी। जो परीक्षा योजना होगी इसके बारे में आपको बताता हूँ। 8 शहरों में जो है सेंटर लगाया जाएगा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और बरेली, जहाँ पर आपका जो पेपर लिया जाएगा। परीक्षा योजना के बारे में आपको बता दूँ तो जो परीक्षा का विषय होगा, पहला भाग हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी, अंक भी आपको 25 मिलेंगे। दूसरा जो होगा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण प्रारंभिक गणित होगा, जो कि 35 नंबर का होगा और इसमें 35 अंकों का होगा। उसके बाद ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नलकूप चालकों में जो आईटीआई की क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, तो जो आईटीआई की क्वालिफिकेशन थी, 60 नंबर के क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित आएंगे। अगर किसी की फिटर है तो 60 नंबर फिटर के होंगे, और टर्नर है तो 60 नंबर टर्नर के होंगे, और मशीनिस्ट है तो 60 नंबर मशीनिस्ट के होंगे। इत्यादि जो भी ट्रेड होंगी तो सबका अलग अलग ट्रेड वाइज ही आएगा। कितने सेंटरों में आपका एग्जाम होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। 332 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी, जिसमें 2 लाख से अधिक आवेदन जो है अब तक गए हुए थे। सबसे अच्छा, अगर किसी कैंडिडेट के फोटो सिग्नेचर में कोई कमी रह गई थी तो प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 5 अगस्त से पहले अभी भी आपके पास समय है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको 1.5 घंटे में 120 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया हुआ है। 2 सितंबर को 8 राज्यों में यह परीक्षा होगी। तो जिसके लिए मैं आपको बता दूं, 1/2 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 120 अंकों की परीक्षा होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके एक बात और बता दूं कि जो इसका लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से भी से जाकर चेक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप अगर कुछ चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं अपना कमेंट में नंबर भी छोड़ दूंगा, आप मेरे हेल्पलाइन नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड, अगर ये काम का आपके वीडियो नहीं है तो किसी और को शेयर कर दे, ताकि किसी और को जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।